गर्मी और बरसात के दिनों में लोग नींबू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो आप इनका इस्तेमाल करने के बाद इनके छिलकों को बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि इनमें कई एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे शरीर में कई तरह से उपयोगी साबित हो सकती है। नींबू के बेनिफिट तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, लेकिन लेमन पील्स को हम लोग फेंक देते हैं, जो लेमन के छिलके हैं। लेकिन अगर आप उसके बेनिफिट्स को जानेंगे तो आप जो है उसे कभी भी फेंकेंगे नहीं। देखिए, लेमन पील जो है वो जो लेमन पल्प है उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, और लेमन पील या नींबू के छिलके जो है उसकी अगर हम कंपोजिशन देखें तो उसमें भी विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B6 ये कूट कूट के भरे होते हैं। मिनरल कंपोजिशन पे जाएं तो पोटेशियम होता है उसके अंदर, और कैल्शियम मैं बोल ही चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। इसके अलावा जिंक होता है, फॉस्फोरस होता है, ये सारे मिनरल्स हैं। कुछ क्वान्टिटी मैग्नीशियम की भी होती है उसके अंदर, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ विटामिन और मिनरल की बात नहीं है, बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं। फाइटोकेमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे इफेक्ट डालते हैं अगर उसको कंज्यूम किया जाए। विटामिन सी जो है जब देखेंगे तो काम करता है हार्ट पे काफ़ी ज़्यादा, और हार्ट डिजीज़ में ब्लड थिनर की तरह काम करता है। स्किन पे बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, बल्कि इसको आप स्क्रब बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो है इसको इकट्ठा करें और इसका पाउडर बना लें और उसको जो है आप अपनी बॉडी पे मलें तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होंगे आपको स्क्रब से। चेहरे पे भी लगा सकते हैं, या फेस मास्क, फेस पैक बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, चेहरा जो है ग्लो करेगा। एक्ने, पिंपल्स पे आप इसको लगा लें, इसके पेस्ट को, तो उसमें काफ़ी बेनिफिट होगा आपके। अलावा डैंड्रफ पे काफ़ी अच्छा इसका काम है, अगर डैंड्रफ हो रही है आपको तो आप इसके पेस्ट को लगाएं, इसको मिक्सी में पीस लें, पाउडर को जो है पेस्ट बना लें पानी मिला के और इसको लगाएं तो काफ़ी बेनिफिशियल। जब हम बात करते हैं दांतों की तो जिंजिवाइटिस एक प्रॉब्लम होती है जिसमें मसूड़े सूख जाते हैं या मसूड़े से खून आने लगता है, तो आप अगर इसको जो है कंज्यूम करेंगे तो उसमें भी ये आपको फ़ायदा करेगा, और अगर आप इसके पाउडर को एज मंजन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी आपको ये काफ़ी फ़ायदा करेगा। बोन हेल्थ में काफ़ी अच्छा है क्योंकि विटामिन सी और कैल्शियम इसमें भरा हुआ है, बहुत अच्छा रोल है, वज़न घटाने में भी काफ़ी काम करता है, वेट लॉस में जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी स्टडीज़ हैं जिन्होंने शो किया है इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है, अगर एक्सरसाइज और डाइट के साथ इसको कंबाइन किया जाए तो ये जो है वेट लॉस में काफ़ी हेल्प कर सकता है। जो है ह्यूमन स्टडी हुई है, काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स पाए गए हैं इसके, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। प्लस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूसर है ये, इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, तो एंटी एजिंग माना जाता है। तो अगर आप इसको वीकली, ट्वाइस वीकली कंज्यूम करते रहें तो एंटी एजिंग है, रिंकल फ्री आपको स्किन भी देगा और एज भी आपकी बढ़ाएगा। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।